आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक पतले प्रिज्म द्वारा इसके एक पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणों के लिए उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 4 डिग्री है। यदि इस प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? और देखिए, जो हमारा पतला प्रिज्म है वो कांच का बना हुआ है, उसका अपवर्तनांक क्या है? 1.5। और इस प्रिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं? जल में डुबो रहे हैं। और जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.33। तो हमें ज्ञात करना है जल में डुबोने पर प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है डेल्टा वायु का मान। ठीक है, तो डेल्टा क्या है? डेल्टा है विचलन। और मान रहे हैं कि जो 4 डिग्री का जो न्यूनतम विचलन कोण है वो किसके लिए? वायु के लिए है। और वायु में जो न्यूनतम विचलन कोण है वो 4 डिग्री है। ठीक है, तो पहले तो हम ज्ञात करेंगे वायु में उत्पन्न विचलन। तो डेल्टा वायु क्या हो जाएगा? डेल्टा बराबर होता है μ-1a। ठीक है, जहां पर म्यू क्या है? म्यू है अपवर्तनांक और ए है प्रिज्म कोण और डेल्टा है विचलन कोण। तो डेल्टा वायु बराबर क्या हो जाएगा? म्यू वायु -1 × a। अब देखिए, म्यू का मान में दिया हुआ है 1.5 और डेल्टा का मान है 4 डिग्री। तो हो जाएगा 4 डिग्री बराबर 1.5 माइनस का 1 × a। उसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब उस प्रिज्म को जल में डुबाने पर, तो अब निकालेंगे जल में, तो जल में निकालेंगे डेल्टा की वैल्यू। ठीक है, तो जल में क्या हो जाएगा? तो जल में हो जाएगा डेल्टा जल बराबर म्यू जल का अपवर्तनांक माइनस का 1 × प्रिज्म कोण। तो अब देखिए, हमें ये मान तो ज्ञात है, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा डब्लू। अब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा जल के लिए? तो जल के लिए अपवर्तनांक हो जाएगा डब्लू म्यू जी। डब्लू म्यू जी क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो प्रिज्म है वो कांच का बना हुआ है, और जब हम कांच के प्रिज्म को जल में डालेंगे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो अपवर्तनांक हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस का 1 × a। और जैसा कि हम जानते हैं कि डब्लू म्यू जी बराबर क्या होता है? डब्लू म्यू जी बराबर होता है ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्लू। तो यहाँ पे अब मान हो जाएगा डेल्टा डब्लू बराबर ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्लू माइनस का 1 × a। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 1.33 माइनस का 1 × a। और डेल्टा डब्लू का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग करने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? समीकरण 1 है 4 डिग्री बराबर 1.5 माइनस का 1 × a। और समीकरण 2 का मान है डेल्टा डब्लू बराबर 1.5 बटे 1.33 माइनस का 1 × a। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4 डिग्री × 1.5 बटे 1.33 माइनस का 1 बराबर डेल्टा डब्लू 1.5 माइनस का 1। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4 × 0.1278 बराबर डेल्टा डब्लू 0.5। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4 × 0.1278 बटे 0.5 बराबर डेल्टा डब्लू। तो उसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल्टा डब्लू बराबर 0.5 बटे 0.5। तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा डब्लू बराबर 1 डिग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल में जो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा उसका मान होगा 1 डिग्री। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो प्रश्न से यही पूछा गया था कि जल में प्रिज्म को डुबाने पर न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा जल में 1 डिग्री। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।